Subscribe my channel AinyCooks and hit bell icon for further notifications. Thank you. आज मैं आपके साथ इमली की खट्टी और मीठी चटनी शेयर कर रही हूँ, जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं दही बड़ों के ऊपर, दही फुल्की के ऊपर. उसके लिए आपको एक कप इमली आपको चाहिए, जो आप थोड़े से पानी में, नीम गर्म पानी भी ले सकते हैं आप उसके अंदर सोक कर दीजिए. तकरीबन हाफ एन आवर या 20 मिनट्स आप उसको सोक करें, और जब वो नरम हो जाए तो आप उसके अंदर एक कप शक्कर या फिर गुड़ को आप थोड़ा सा कूट कर आप शामिल कर लीजिए. इसमें आप नमक, इसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर, ये शामिल करें, और हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून के बराबर चाट मसाला, ये आप शामिल करिए. फिर आप इसमें तकरीबन 2 कप पानी आपने शामिल करना है. पानी शामिल करने के बाद आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें. अब आपने इसको कुक करना है ऑन मीडियम फ्लेम, और उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए और शुगर डिसॉल्व ना हो जाए, गुड़ या शक्कर डिसॉल्व ना हो जाए. हम इसको छलनी की मदद से छान लेंगे और उसकी गुठलियाँ रिमूव कर देंगे. अगर आपको फील होता है कि आपकी चटनी थिक नहीं है, तो आप उसको दोबारा से कुक करें और उसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके आप ऐड करें. इससे आपकी जो चटनी है वो थोड़ी थिक हो जाएगी, और आप इसको बॉटल में स्टोर करके फ्रिज में रखिए. रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा. मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी. अल्लाह हाफिज़. हैव अ नाइस डे.